हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फॉरेक्स करेंसी में ट्रेड करने के लिए GBP INR के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को एंजल वन एप्लीकेशन के माध्यम। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए चलते हैं एंजल वन की एप्लीकेशन में। हम एंजल वन की एप्लीकेशन के होम पेज में आ चुके हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख पा रहे हैं एंजल वन एप्लीकेशन का न्यू फीचर इंस्टा ट्रेड FNO का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा, उस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें सेम विंडो पे चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंडल स्टिक का यूज में ले सकते हैं, और तो और आप अपने फेवरेट इंडिकेटर को भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी पोजीशन का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप सेम विंडो पे देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी स्टॉक या शेयर का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। GBP INR को इस प्लस के आइकॉन से सर्च कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं GBP INR 3 मार्च 2023 की एक्सपायरी का शो हो रहा है, उसमें अपन को क्लिक करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं GBP INR का चार्ट सक्सेसफुली लग गया है। GBP INR ने लास्ट क्लोजिंग दी है 99.36 पे। GBP INR के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एंजल वन एप्लीकेशन के माध्यम से देखने के लिए हमें यहाँ से बैक जाना होगा। देन इस सर्च के कॉलम से हमें GBP INR को सर्च करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा ऑलरेडी सर्च है GBP INR, हमको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपको स्टॉक डिटेल के ऊपर क्लिक करना होगा, टेक्निकल पे टैप करना होगा। टेक्निकल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, वहाँ पे आपको टैप करना है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है S199 का, यहाँ पे S2 है जो कि सपोर्ट 2 है 98.58 का, S3 जो सपोर्ट 3 है 97.34 का, साथ ही साथ हमारा R1 है रेजिस्टेंस 100.23 का, R2 हमारे रेजिस्टेंस 2 101.06 का, साथ ही साथ हमारा रेजिस्टेंस 3 102.29 का। ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे आगे परफॉर्म करते दिख सकते हैं। यहाँ से हमको बैक जाना होगा। देन आपको ये इंस्टाटेड FNO का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, हमको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने RSI का इंडिकेटर लगाया हुआ है, जिसमें हमने कुछ सेटिंग कर रखी है, जिसमें ये है जो 40 का जोन है वो है ओवरसोल्ड का जोन, एंड जो 60 का जोन है वो है ओवरबॉट का जोन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं GBP INR ओवरसोल्ड जोन में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा था। हमें वेट करना होगा जब तक ये हमारे 40 एंड 60 के जोन के बीच में आना जाए। किसी भी स्टॉक को लेने से पहले उसका कंप्लीट एनालिसिस जरूर कर लें। अगर आपको लग रहा है कि बाइंग की पोजीशन बन रही है तो बाय करेंगे, और इनकेस अगर आपको लग रहा है कि सेलिंग की पोजीशन बनेगी तो देन आप सेल करें। बाइंग की पोजीशन आने के लिए मैं बाय पे क्लिक करूंगा। देन बाय पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नजर आएगा, जहां पे आपको एंटर लॉट टाइप करना होगा। जितना भी लॉट आपको लेना है उसको आपको टाइप करना होगा। मुझे एक लॉट लेना है तो मैं एक टाइप करूंगा। फिर नीचे आपको लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। जिस भी ऑर्डर में आपको लेना है आपको टॉगल को उसमें रख के आप आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां एक लॉट का प्राइस हमें पड़ रहा है 4015 रुपीज का। बाय करने के लिए बाय पे क्लिक करूंगा। देन यहां कंफर्म बाय, कंफर्म में आप जैसे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो गाइस, आप भी इसी तरह बड़ी आसानी से इंस्टा ट्रेड FNO का ऑप्शन का यूज में लेके अपने ट्रेड का एनालिसिस कर सकते हैं, और अपने ट्रेड को प्लेस भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी तक आपने एंजल वन की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करें।